चलो तो इसको हम लोग देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट थ्री। इसके पहले का जो है पार्ट वन पार्ट टू जो कि तुम लोगों को बता दिया गया, जिसमें इंट्रोडक्शंस पहला में टोटल और दूसरा में जो अल्केन्स अल्किन्स और अल्काइन्स, इसका बेसिक नोमेनक्लेचर सब करा दिया गया। यही समझकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो है आज का टारगेट हम इसलिए फिक्स कर दिए कि टाइम एकदम डिफाइंड रहेगा, और यही टारगेट है हाइलो अल्केन्स अल्कोहल्स और अल्डिहाइड। इसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करेंगे एक सीनियरिटी टेबल। कि सीनियरिटी टेबल मतलब ये डिसाइड करेगा कि सबसे बड़ा है कौन। जैसे कभी ऐसा होगा कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो उसमें जो सीनियर होगा सीनियर को कम नंबर देना है और जूनियर को तुम ज़्यादा नंबर दे सकते हो। मतलब कि काउंटिंग में सीनियर को कम नंबर देना, तो उसके लिए एक सीनियरिटी टेबल होता है जिसको याद करना किसी भी हाल में ज़रूरी होता है। अब उस सीनियरिटी टेबल को हम आज पहले चर्चा करेंगे उसी पर। इसके पहले का जो भी है हेलो अल्केन्स अल्किन्स और अल्काइन्स, जिसके बारे में हम लोग नोमेनक्लेचर डिटेल में किए हैं। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी हम लोग नोमेनक्लेचर्स किए थे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से हम लोग को जो अटैच है रिन से उसको डायरेक्ट वन डैश देना है, और बाकी उसके बाद वन डैश देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। आज फिर रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, वो बीच में हम लोग रूल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, हर क्लास में हम लोग रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आज सीनियरिटी टेबल, या इसी को हम लोग प्रायोरिटी टेबल बोलते हैं, यानी कि प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल में सबसे बड़ा कौन होता है। तो इस पर ही हम लोग सबसे पहले चर्चा चलेगा कि सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे सीनियर कौन है, यानी कि सबसे सीनियर जो होगा उसको हमको लिस्ट नंबर देना होगा। और ये याद हो जाना चाहिए, ऑर्गेनिक में सीनियरिटी टेबल ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, और इसको याद कर जाना है, रट जाना है पूरा, ठीक है। तो अभी चलो हम टेबल ये बताते हैं, यही टेबल है। अब टेबल में अगर देखा जाए तो इस टेबल पर ही हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इस सीनियरिटी टेबल में कुछ, जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए, जैसे हमने लिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स। सफिक्स में जनरली यहाँ पर सफिक्स में हम लोग बात करेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करेंगे, हाँ कभी कभी प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सफिक्स दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है, पहले लगता है, उसके बाद कौन लगता है, सेकेंडरी सफिक्स, यही होता है ना। उसी तरह प्रीफिक्स भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स यानी वन डिग्री, और दूसरा क्या होता है, टू डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर जो भी बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग टू डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि टू डिग्री यानी कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करे, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जैसा। कभी ऐसा होगा कि OH काउंटिंग में नहीं आएगा, कभी ऐसा होगा कि CHO काउंटिंग में छूट जाएगा, तब उस केस में उसका नाम क्या लिखेंगे। ये टेबल को अभी सिंपली हम लोग याद रखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इसका यूजेज भी बताएंगे। पहले हम लोग ऑर्डर को पहले याद रखेंगे। ऑर्डर में सबसे पहले आता है कार्बो ऑक्सलिक एसिड्स। इससे थोड़ा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप भी याद हो जाएगा। कार्बोऑक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, या इसी को एक और तरीका में लिखा जाता है कि ऐसे भी लिखा जाता है, एक मिनट, ये हो गया, फिर C हो गया, ये O हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, OH। रुक जाओ, कहाँ दिक्कत हो रहा है, COOH और ये क्या हो गया, OH, ये हो गया। इसको हम लोग अगर इसका सफिक्स में यूज किया जाए तो सफिक्स में यूज करते हैं ओइक एसिड बोलते हैं, या इसी को हम लोग अल्केनोइक एसिड यूज करते हैं। और इसका अगर प्रीफिक्स में अगर यूज हो जाए तो प्रीफिक्स में हम लोग यूज करते हैं कार्बोऑक्सी, या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स जो क्या है, वर्ड के पहले लगे, और सफिक्स जो क्या लगे, बाद में लगे, इस बात को याद रखना। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है सल्फोनिक एसिड में देखा जाए तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड SO3H। इसका अगर बोला जाए तो सफिक्स में हम लोग लेते हैं सल्फोनिक एसिड ही लेते हैं, और इसका प्रीफिक्स में क्या लेते हैं, सल्फो लेते हैं। अब इस दोनों में सबसे सीनियर कौन है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन हो जाएगा। अब इसको हम लोग पहचानने का एक तरीका समझ सकते हैं, इसमें कितना ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, इसमें कितना है, तो दो से तीन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सीनियर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रट्टा मारो, याद करो, जो भी है करना चाहते हो कर सकते हो। अब इसमें बात आता है
कि एसिड आयन हाइड्राइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड आयन हाइड्राइड। तो एसिड आयन हाइड्राइड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और उसके बाद क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम करते हैं ओइक आयन हाइड्राइड। और इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स अगर देखा जाए तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। साथ ही साथ आ जाएगा तुम्हारा एस्टर, एस्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद क्या हो जाएगा ओ आर डैश, जहाँ पर आर डैश को हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। अभी केवल ध्यान में रखते जाना, अल्काइल अल्केनोएट बोलते हैं या अल्काइल क्या लगाते हैं, ओएट लगाते हैं। उसी तरह इसका अगर सब्स्टिट्यूएंट में काम करेंगे तो इसका नाम करेंगे अल्क ऑक्सी कार्बोनील बोलेंगे। उसी तरह एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड। अब ये सब जो है ना, देखो ध्यान सुनना, ये तो ये जो 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो ये सबको हम लोग एसिड का डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। जैसे कि मेरे पास देखो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, ध्यान से सुनते जाना, ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। और कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स का ही बाकी सब क्या है, डेरिवेटिव्स है। जैसे कि यहाँ पर से क्या किया जाए कि इसको हटाकर ओ सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे लगा दिया जाए, तो ये इसी का डेरिवेटिव। देखो क्या हट रहा है, ध्यान सुनना, ये वाला चीज़ ये हटा, ओहो नहीं ये नहीं, कहाँ गया, ये वाला, ये चीज़ को हटा रहे हो और इसके जगह पर क्या समझ जोड़ रहे हो, तो देखो ये वाला, इस चीज़ को ध्यान देना, ये वाला पार्ट। तो जब इस चीज़ को जोड़े हो तो इसका हम लोग बोलते हैं एसिड आयन हाइड्राइड, एसिड आयन हाइड्राइड, उसी का डेरिवेटिव्स है एसिड आयन हाइड्राइड। इसी से बना हुआ है, इसी से आगे भी बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एस्टर। एस्टर, एस्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर डैश आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एस्टर हो जाएगा। यानी कि तुम समझते समझो कि एसिड का नंबर ऑफ बेटा सन, तो इसमें सन या बेटा बोलो तो सबसे बड़ा बेटा कौन हो गया, एसिड आयन हाइड्राइड सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, उससे छोटा कौन हो जाएगा, उससे छोटा कौन हो जाएगा तो अमाइड हो जाएगा, और उससे भी छोटा कौन हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एसिड अमाइड, और उससे भी छोटा अगर बोला जाए तो सबसे छोटा हो जाएगा एसिड हैलाइड। तो ये कुछ सीक्वेंस है, तो इस ऑर्डर में हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जाओगे तो ऊपर देखोगे कि सबसे ऊपर कौन है, तो इसको दिमाग में डाल लो। देखो हर केस में क्या हो रहा है, यहाँ से एच हटा, यहाँ से एच हटा, फिर क्या लगा, आर डैश लगा, फिर ओ एच हटा तो एन एच टू लगा, और फिर यहाँ से फिर ओ एच हटा तो यहाँ लगा एक्स। एक्स मतलब हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है एक्स मतलब क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन आता है, ठीक है। तो ये हाइलोजन्स ग्रुप हो जाता है, तो इसलिए इसका बोलते हैं हैलाइड्स, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, पहले सुनते ही चलो। तो वही चीज़ है, उसके बाद कौन हो गया एस्टर, एस्टर का बता दिया अल्काइल अल्कोनेट्स और अल्कोस्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा एसिड हैलाइड हो जाएगा। तो एसिड हैलाइड के लिए हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑयल क्या हो जाएगा हैलाइड, और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइलोकार्बोनिल या हाइलो क्या बोलेंगे फॉर्माइल। उसके बाद क्या हो जाएगा एसिड क्या हो जाएगा अमाइड, और एसिड अमाइड के लेंगे तो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमाइड लेते हैं, या इसी को हम लोग क्या लेते हैं कार्बोमोइल लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखो तो ये क्या है साइनाइड। अब साइनाइड को हम लोग लेते हैं नाइट्राइल लेते हैं, और नाइट्राइल लेते हैं इसी को हम लोग क्या लेते हैं साइनो, फिर फिक्स में यूज़ करेंगे तो इसको हम साइनो यूज़ करेंगे। तो ये कुछ टेबल का सिक्वेंस है, इसको हम लोग टेबल दे देंगे, उसके लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको एक टेबल मिल जाएगा उस पर चिंता मत करो, टेबल तुमको दे दिया जाएगा, टेबल तुमको मिलेगा चिंता मत करो। उसके बाद क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के लिए क्या लेते हैं, देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर है। साइनाइड में यहाँ क्या होता है सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ये कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो ये वन हो गया और ये साइनाइड हो गया। जबकि हम लोग आइसोसाइनाइड का बात करें तो आइसोसाइनाइड में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर एन होता है सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड, और यहाँ से लोन पेयर से बॉन्ड बनता है, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड होता है। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, और साइनाइड में किससे जुड़ा था कार्बन से, देखो साइनाइड में यही हुआ था, साइनाइड में अगर देखा जाए तो साइनाइड में हुआ था सिंगल बॉन्ड सी एन, यानी कि कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ा होता है।
नाम करते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइट या इसी का दूसरा नाम आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। अभी सब हम लोग आगे सीखेंगे इन डिटेल में। हाँ, इसका अगर सब्स्टिट्यूएंट में यूज करते हैं तो आइसोसाइनो बोलते हैं। फिर उसी तरह क्या होता है एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड को क्या होता है सिंगल बॉन्ड CHO, सॉरी हैलाइड, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO, या इसी को हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और एच, इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को अगर हम लोग सफिक्स में यूज करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे अल, यानी कि अल के नल, अल। इसको हम क्या करते हैं फॉर्माइल करते हैं या अल्डो करते हैं या ऑक्सो करते हैं। और इस केस में देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट में और भी लेते हैं, अगर बोला जाए तो यहाँ पर एक केस में और भी लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी अल भी लेते हैं और इसका एक दूसरा भी नाम होता है, तो अल भी नाम होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस केस में हम लोग कार्बल डिहाइड लेते हैं। अब ये सब हम लोग आगे जानेंगे कार्बल डिहाइड, ये सब अलग अलग नाम होता है। जैसे कि अगर बोला जाए कि यहाँ पर भी जैसे कार्बो ऑक्सी हो जाएगा और ये इसमें नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, इसी में हम लोग कार्बो ऑक्सलिक सफिक्स मिलेगा, सफिक्स में कार्बो ऑक्सलिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ जो नाम है जिसको कि अच्छा से याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट काम आएगा। फिर उसी तरह अगला जो आएगा उससे नीचे क्या आएगा कीटोन, ये क्या है कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन के लिए क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके बाद क्या हो जाएगा ओन लग जाएगा, या ऑक्सो लगाते हैं या केटो लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या होगा सिंगल बॉन्ड ओ एच, फिर क्या हो जाएगा हाँ ओ एल, ओल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी। अब इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो इसका भी एक लॉजिकल कंसेप्ट है, इसको याद कर सकते हो सी आ का, सी आ का याद रख सकते हो। अब ये क्या है साइनो हो गया, आइसोसाइनो हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और अल्कोहल हो गया। देखो इसी ऑर्डर में पहले क्या था साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन्स और उसके बाद क्या हो जाएगा अल्कोहल। थोड़ा सा इसको दिमाग में डाल लेना, ए और ए में सबसे पहले क्या हो जाएगा अल्डिहाइड आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा अल्कोहल। अब अल्कोहल के बाद क्या आता है थायो अल्कोहल आता है, थायो अल्कोहल के लेते हैं सिंगल बॉन्ड एस एच और इसको थायोल बोलते हैं, और इसी को हम लोग अगर प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो इसको हम लोग मरकैप्टो बोलते हैं। उसी तरह अगर अगला हम लोग बात करें तो ये अमाइंस होता है, अमाइंस के लिए अगर बात करें तो सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है NH2। अब अमाइन भी अलग अलग तरह का होता है, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस। अमाइंस कैसे बनता है थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो अमाइंस की बात हो जाए, जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया के पास कितना हाइड्रोजन्स होता है 3 हाइड्रोजन्स होता है ना। अब इसमें से एक ठो हाइड्रोजन्स हटा दिया जाए तो एक हाइड्रोजन हटा दोगे दो रहने दो, तो इसमें पहला को अमाइंस को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइंस। आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन हटा, दो ठो हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसको इसमें हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमाइंस बोलेंगे। अगर तीनों हाइड्रोजन्स को हटा दोगे तब उसके इसमें क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमाइंस बोलेंगे। ये अलग लगा जाएगा 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस। नोमेनक्लेचर जिस दिन करेंगे तो हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी नहीं, अभी के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा जानते चलो बस। उसके बाद आता है अगला इथर आता है, इथर को सिंगल बॉन्ड CO या इसी को ऐसे द्वारा, इसको भी एपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, अल्कोक्सी अल्केन बोलते हैं, या इसका अगर बोला जाए तो सब्स्टिट्यूएंट में अगर हमको लेना है तो सब्स्टिट्यूएंट्स में इसको हम लेते हैं एपॉक्सी लिख देते हैं, एपॉक्सी लिखते हैं। उसी तरह अब नीचे अब बाकी कुछ है ही नहीं, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, ये सब में किसी को सीनियर नहीं माना था, लेकिन अल्कीन और अल्काइन दोनों अगर सेम पोजिशंस पर आ जाए तब उसमें सीनियर किसको मानेंगे, अल्कीन को सीनियर मानेंगे, पढ़ाए भी पिछला क्लास में ये सब, अल्कीन को सीनियर मानेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा अल्काइन हो जाएगा। अब इसमें प्रीफिक्स फॉर्म में कुछ भी नहीं होता, अल्कीन का ना प्रीफिक्स यूज होगा और ना ही अल्काइन का कोई प्रीफिक्स यूज होगा, होने वाला नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये सब अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री क्या बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। एक 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है और एक क्या होता है 2 डिग्री क्या होता है प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। ओहो इस केस में हो जाएगा 1 डिग्री क्या हो जाएगा सफिक्स, ये सब क्या है 2 डिग्री सफिक्स। उसी तरह
इसको भी हम लोग नहीं लेते हैं, नाइट्रो और क्या हैलो, इसको भी हम लोग नहीं लेते हैं। कारण क्या है, नाइट्रो तो नाइट्रो के केस में NO2 हो गया। अब NO2 का ऐसे भी लिखा जाता है, लिखने का अलग तरीका है, ऐसे नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप है। अब इस केस में इसका सफिक्स नहीं होता, इसका अगर देखा जाए तो इस केस में भी अगर बोला जाए तो इसका, तो इस केस में इसका सफिक्स का हम लोग बात करें तो प्रीफिक्स का, तो प्रीफिक्स में हम लोग क्या लेते हैं नाइट्रो। और इस केस में यहाँ पर जाया जाए हैलो अल्केन्स, तो हैलो अल्केन्स का जैसे कि हैलोजन्स, अब ये हेलाइड्स लिखते हैं, हेलाइड ये एक्चुअल में सफिक्स नहीं है, ये कॉमन नेम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी बोल सकते हैं कुछ भी नहीं। दूसरा आ जाएगा इसका सफिक्स में प्रीफिक्स में यूज होगा जिसको हम बोलेंगे हैलो, क्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब इस ऑर्डर में। तो मेन यहाँ पर क्या है, अभी तक हम अगर बात करें तो अच्छा थोड़ा सुनते जाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, कार्बो ऑक्सलिक, ठीक है। कार्बो ऑक्सलिक के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो सल्फोनिक आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, याद कर लो एस्टर हो जाएगा, एसिड हैलाइड हो जाएगा, एसिड अमाइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा। बस कैसे याद रखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में है, सल्फोनिक में, तो नीचे आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा ऊपर, फिर उसका डेरिवेटिव में बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एसिड हैलाइड, और फिर क्या हो जाएगा एसिड अमाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर उस तरह आइसोसाइनाइड हो जाएगा, फिर अल्डिहाइड होगा, कीटोन हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए हम बताएं सिया का याद रखो, साइनो आइसोसाइनो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अल्डिहाइड कीटोन्स, और उसके बाद अल्कोहल। फिर उसी तरह नीचे चला जाएगा थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल ज़्यादा यूज नहीं होता है, तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन कभी भी अगर यूज हो जाए कंपटीशन में बैठना चाहते हो तो ये होगा। अमाइंस का हो जाएगा, फिर उसके बाद इथर हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये सब नहीं लेते, अमाइंस तक लेते हैं, ईथर को भी नहीं लेता है, अल्किन को भी नहीं लेता है, अल्काइन को भी नहीं लेता है, ये सब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सब को याद नहीं रखना है, मेन कुछ बात को याद रखना है जो कि तुम्हारे लिए काम करेगा। तो देखो अब आगे हम लोग जानेंगे, तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग कुछ रूल्स पर चर्चा किया था, क्योंकि अब नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सीनियरिटी टेबल इसलिए हम बता दिए, अभी इसलिए बता दिए क्योंकि अभी से अगर तुम याद रखोगे तो बार बार जब यूज होगा ना तो धीरे धीरे तुमको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। हम लास्ट में भी करा सकते थे, जैसे मोस्ट ऑफ केस में देखोगे बहुत सारे टीचर लोग क्या कराता है, पहले सबको नॉर्मल पढ़ा दिया, लास्ट में एक दिन बताकर भागने वाला हो जाता है, हम तो दे दिए तुम अपना समझते रहो, देखकर हम अपना क्या करें निकल जाए, हमको वैसा नहीं करना है, तुमको याद करा देना है पूरा। तो याद कैसे हो जाएगा, स्टार्टिंग से हम कुछ क्वेश्चन ऐसा लेते जाएंगे सीनियर जूनियर सीनियर जूनियर, तो वहीं से डिसाइड होते जाए। तो हम लोग कुछ रूल्स पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कभी भी नोमेनक्लेचर्स करना है तो सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चैन को सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चैन कंटिन्यूस होना चाहिए, मे बी स्ट्रेट हो सकता है और ब्रांचिंग भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस होना जरूरी है। दूसरा काउंटिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले कम नंबर मिले, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट दो या दो से क्या हो ज़्यादा हो तो कोशिश करना है कि लोएस्ट सम रूल या क्या चीज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसको कम नंबर देना है जो सबसे पहले नंबर में सबसे पहले कम है और उसको कम देकर आगे बढ़ना है। फिर अगर देखा जाए तो नेमिंग किस केस में करना है, नेमिंग अगर कभी भी कर रहे हैं तो अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे, यानी ए बी सी डी में सबसे पहले मिथाइल आएगा कि इथाइल, इथाइल तो सबसे पहले नाम करना है इथाइल का, फिर करना है मिथाइल का। अगर ब्रांचिंग हो, अगर देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दोनों केस में अगर सेम मिल जाए तो वो चैन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांच क्या हो ज़्यादा हो। ये सब हम लोग पिछला क्लास में पूरा डिटेल में पढ़े। इसके बाद हम लोग ये भी जाने हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सबसे बड़ा होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है सबसे कम नंबर देना है किसको फंक्शनल ग्रुप को। अब अगर देखा जाए तो यही रूल्स यहाँ पर लिखा भी है, इस रूल्स को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो इस रूल्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहला हो जाएगा 7 नंबर रूल्स, इसके पहले बता दिए, इसके पहले और भी रूल्स हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा अगर सिमिलर अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस केस में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज करते हैं। वर्ड कार्बन में भी तुमको याद होना चाहिए, कार्बन एक कार्बन के लिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये सब याद रखना। तो ये रूल्स है, इसके बारे में हम पिछला क्लास में चर्चा किए थे। इफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप देन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चैन ऑफ कार्बन आइटम इज सेलेक्टेड विच इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप
आइदर द चेन ऑफ द कार्बन आइटम इज नॉट क्या लॉन्गेस्ट द नंबर ऑफ सेलेक्टेड चेन आर डन फ्रॉम द इंड दैट इंड विच गिव्स द मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द क्या होगा फंक्शनल ग्रुप। इस पर भी हम लोग ये रूल्स पर चर्चा किए, हम आज फिर से बता देना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारा काम बढ़ते जाएगा, जानना जरूरी। जैसे यहाँ पर याद आ रहा है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप का हमको क्या देना है कम नंबर, यानी कि देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन लेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है, लेकिन अब यहाँ पर हम ये नहीं लेने वाले हैं, लॉन्गेस्ट चेन कौन लेने वाले हैं, चलो हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और ये लो। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाता है लॉन्गेस्ट चेन, बसरते हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 ही आया, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन इस चेन को हम लोग नहीं लेंगे, क्यों रीजंस, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उस चेन को नहीं लेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, काउंटिंग उधर से करना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले कम नंबर, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, धीरे धीरे हम बोल रहे हैं एकदम सिखा देंगे, ऑर्गेनिक जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक आगे आदमी नहीं बढ़ेगा, एकदम सिखाएंगे। हाँ, अगर कभी ऐसा हो जैसे रूल्स नंबर 8 जैसे बात करें, तो रूल्स नंबर 8 में क्या हो जाता है, रूल नंबर अगर 8 हम लोग बात करें, तो रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि अगर कभी ऐसा हो कि टू और मोर फंक्शनल ग्रुप हो, टू और मोर फंक्शनल ग्रुप, टू और मोर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, अब ये दो या दो से ज्यादा अगर कम, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जनरली अगर देखोगे तो इसका नाम बोला जाता है, क्या बोलते हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, पॉली फंक्शनल ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा, तो अगर एक से ज़्यादा हो तब काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से सीनियर को क्या करें कम नंबर मिले, ध्यान सुन लेना, सीनियर जैसे कार्बोक्सिलिक सल्फो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड एस्टर, तो उस सीनियर को सबसे क्या मिले कम नंबर मिले, काउंटिंग उधर से करना जिधर से सीनियर को कम नंबर मिले, यानी कि तुम इसको बात में दिमाग डाल लोगे कि लिस्ट नंबर गिवेन टू सीनियर ग्रुप, अब सीनियर ग्रुप को तुमको कम नंबर देना है, और सफिक्स भी किसका यूज करना है तो सीनियर का, सफिक्स भी यूज करेंगे तो किसका सीनियर का, अब पिछला क्लास में तुम लोग पढ़ा था नोमेनक्लेचर कभी भी करते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज़ सब्स्टिट्यूएंट्स, याद है ना सब, नहीं तो फिर लिख लेते हैं और क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, अब सब्स्टिट्यूएंट्स में आता है प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स होता है कितना तरह का, दो तरह का, सेकेंडरी प्रीफिक्स और क्या होता है प्राइमरी, अब सेकेंडरी में कौन कहना जाता है तो अभी हम बता दिए मिथाइल अल्काइल कार्बोक्सी हाइड्रोक्सी ये सब, और प्राइमरी में क्या आ जाता है जैसे कि साइक्लो हो गया, ठीक है, बाई साइक्लो आ जाएगा, एस्पायरो हो जाएगा, वो सब, फिर उसके बाद क्या लिखते थे वर्ड रूट या रूट वर्ड जो भी है वर्ड रूट या रूट वर्ड, फिर उसके बाद क्या लिखते थे सफिक्स, यही ना, अब सफिक्स में कौन कौन सफिक्स आता था प्राइमरी आता था और क्या आता था यानी 1 डिग्री और उसके बाद क्या आता था 2 डिग्री, 1 डिग्री में हम लोग क्या यूज़ करते हैं एन यूज़ करते हैं इन यूज़ करते हैं आइन यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, याद हो जाना चाहिए सबको, और इसमें क्या हो जाता है जैसे अल्कोहल के लिए ओल यूज़ करते हैं, अल्डिहाइड के लिए अल करते हैं, कीटोन के लिए ओन करते हैं, ओइक एसिड करते हैं, तो आज से ये सब धीरे धीरे पकड़ में तुम लोग को आने लगेगा, आज से तुम लोग एक सिक्वेंस बहुत अच्छा समझ लेगा, लेकिन बहुत बढ़िया से अगर ध्यान दोगे तब, ये सब हम लोग पिछला क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो चलो अब पहला हम लोग ग्रुप पाएंगे और पहला का नोमेनक्लेचर्स करेंगे जो कि पिछला क्लास में हम लोग ये नहीं किए थे, क्या चीज़ नोमेनक्लेचर्स ऑफ हैलोजन्स, या इसी को हम लोग नोमेनक्लेचर्स ऑफ हैलोजन्स डेरिवेटिव्स बोल दिया जाता है, अगर देखोगे तो इसको नाम में ये भी लिख दिया जाता है कि नोमेनक्लेचर्स ऑफ हैलोजन्स डेरिवेटिव्स, इसी का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो हैलोजन डेरिवेटिव्स बोल दिया जाता है।
हैलोजन्स डेरिवेटिव्स। क्यों हैलोजन्स डेरिवेटिव्स बोला जाता है, तो सुनने का बात है, यहाँ पर सुनते चलो। देखो यहाँ पर रीजन्स क्या है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलने के लिए, जैसे कि मेरे पास अल्किन है, अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसमें से क्या किया जाएगा कि एक ठो हाइड्रोजन्स को निकाल कर और यहाँ पर एक ठो एक्स जोड़ दिया जाएगा। एक्स का मतलब तुमको बात याद रखना पड़ेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेकर जोड़ दिया। तब पहला केस में यह क्या हो जाएगा, CnH2n+1 × क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मोनो, पहला केस में क्या बोला गया, मोनो हाइलोजन। उसी तरह ये अल्केन्स बना हुआ, उसी तरह अगर मान लो कि CnH2n+1 एक और एक्स निकाल दिया जाए, मतलब एक और हाइड्रोजन्स निकाल कर एक और एक्स जोड़ दिया जाए, तब उस केस में क्या बन जाएगा, CnH2n और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईहाइलो अल्केन। उसी तरह अगर बोला जाए कि CnH2n+2 में से फिर एक टू हाइड्रोजन्स निकाल दिया जाए और एक्स जोड़ दिया जाए, तब इस केस में हो जाएगा CnH2n-1 और ये क्या हो जाएगा, X3। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राईहाइलो अल्केन्स। ठीक है, फिर उसी तरह अगर जाया जाए तो CnH2n-1 और X3 में से एक और हाइड्रोजन्स निकाल दिया जाए, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तब उस केस में हो जाएगा टेट्राहाइलो अल्केन। तो इसी ऑर्डर में बढ़ता जाएगा, अगर एक और निकालना चाहते हो जितना हैलोजन्स निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, और इसी सीक्वेंस में। तो हैलोजन्स बनता कैसे, तो कहीं ना कहीं हैलोजन्स डेरिवेटिव्स बनने का मेन रीजन्स क्या है, अल्केन। अल्केन में से अगर एक ठो हाइड्रोजन्स हटाकर अगर हैलोजन्स जोड़ते हैं तो उस केस में मोनो, अगर दो ठो जोड़ते हैं तो डाई, और तीन जोड़ते हैं तो ट्राई, और चार जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, टेट्रा। इसको तुम अच्छा से पकड़ कर रखोगे, याद रखोगे, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी हम बता दे रहे हैं, बता देंगे तुमको तुरंत फटाक दे याद हो जाएगा। अब बात आता है कि कुछ हम लोग लेते हैं क्या कि इसमें अब सीक्वेंस, अभी क्या आता है, अब नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं जनरली। तो सबसे पहला चीज़ आता है क्या, फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में हो जाता है सिंगल बॉन्ड एक्स। अब देखो बताए ऐसे फंक्शनल ग्रुप होता नहीं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका आ जाता है क्या, कॉमन जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में आता है क्या, RX लिखा जाता है, या इसका जनरल फार्मूला लिखा जाता है CnH2n+1 × क्या लिखा जाता है, X। यहाँ पर R क्या है, बात को दिमाग में डाल लोगे, वेयर R इज इक्वल टू हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब एक कार्बन का होता है मिथाइल, दो कार्बन का होता है इथाइल, तीन का होता है प्रोपाइल, चार का होता है ब्यूटाइल, पांच का होता है पेंटाइल। बस याद रखने का कॉमन नेम क्या हो जाता है, इसका कॉमन नेम अगर देखोगे तो इसको नाम हम लोग बोलते हैं अल्काइल हेलाइड। कॉमन नेम हम बोलते हैं अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड का मतलब अगर मान लो कि क्लोरीन होगा तो क्या हो जाएगा नाम, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होगा तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर फ्लोरीन होगा तो नाम हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। अगर आयोडीन होगा तो हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। बस अगर बात बोला जाए IUPAC नेम, तो IUPAC नेम अगर देखते हैं तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, तो IUPAC नेम हम लेते हैं, ध्यान से सुनते जाना, IUPAC नेम लेते हैं हैलो अल्केन। हैलो क्या लेते हैं, अल्केन। जैसे कि मेरे पास अगर मान लो कि क्लोरीन होगा तो क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या करेंगे, ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या करेंगे, आयरो। और फ्लोरीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरो यूज करेंगे।
जैसे क्लोरो अल्केन्स, क्लोरो मीथेन्स, ऐसे इस तरह से देखो। जैसे कि हम एक ले लेते हैं कि ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए, तो सीक्वेंस में याद रखो, ये टेबल याद आ रहा होगा, पिछला क्लास से हम लोग टेबल करते आ रहे हैं। तो पहला हो जाएगा क्या चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही था ना, याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद क्या था, रेशनल फॉर्म। फिर उसके बाद क्या था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, फिर क्या था, कॉमन नेम, और फिर था IUPAC नेम। याद आ रहा है ना, दम आएगा, याद आएगा धीरे धीरे, तुम लोगों में चार्ज होता है, लेकिन तुम धीरे धीरे आराम से, ठीक है। और ज़्यादा और चार्ज होना है तो पंखा पूरा बंद कर दो, दम ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा पूरा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहला, जैसे अगर हम CH3 और यहाँ पर CL ले, पहले अच्छा एकदम फील लेना पढ़ाई का, रेशनल फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही होगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या हो सकता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे, कुछ नहीं। अगर तुमको ऐसे बनाना चाह रहे CL, अब क्या लगाएगा, इधर तो तुमको कुछ चीज़ से जोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसका नाम क्या ले लेंगे, पहला वन, तो वन के केस में क्या हो जाएगा, देखो कॉमन नेम, दिमाग लगाओ, अल्काइल हेलाइट, ये क्या है ग्रुप, मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। चलो समझदारी ला रहा है। हाँ, IUPAC नेम बोलो क्या हो जाएगा, हाँ इसी को वन क्लोरो मिथेन बोलते हैं, या वन लिखो या मत लिखो, IUPAC बोलता है कि वन लिखा या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी क्लोरो लिख सकते हो। जैसे और अगर ऐसा हो जाए C2H5 और यहाँ क्या लग जाए, BR, नाम क्या हो जाएगा बोलो, पहले इसका तो फॉर्म लिखो, CH3, CH2 और ये क्या हो जाएगा, BR। रेशनल फॉर्म लिखना चाहते हो लिख सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BR, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका बोलो, सबसे पहले कॉमन नेम बोलो जल्दी, इथाइल ब्रोमाइड, बहुत बढ़िया। हाँ, IUPAC नेम ब्रोमोइथेन या वन ब्रोमो इथेन, हम आदत डालते जाते हैं अभी से ही 1-2 लिखना, नहीं तो फिर धीरे धीरे भूल जाता है तुम लोग। उसी तरह समझ गया होगा, अगर मान लो कि मेरे पास C3H क्या लगा हो 7 और यहाँ पर I लगा दे, हम सब अलग ले लेंगे ताकि याद आ जाए, तब इसका फॉर्म लिखेंगे तो CH3, CH2, CH2 और I, क्या हो जाएगा 1-2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा I, कितना कार्बन 1-2-3। नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम बोलो, प्रोपाइल आयोडाइड। हाँ, IUPAC नेम 1-iodopropane, बहुत अच्छा। अब देखो इसका अलग अलग सीक्वेंस लिख सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH और यहाँ पर लगा दे I और यहाँ पर लगा दे क्या CH3। देखो लिखने का तरीका, यानी कि ऐसे लिया और इस केस में ऐसे, यहाँ पर लगा दिया क्या I, और नाम कैसे कर दे 1-2 और क्या कर दे 3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा। अब इस केस में अगर हम लोग नाम लेंगे, यानी कि यहाँ पर पहले नाम ले लो, इसका नाम क्या होगा, 2-iodo क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपाइल नहीं, प्रोपेन, ठीक है। अगर यही अगर हम बात करेंगे, अगर बोलेंगे कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में अगर हम बात करें तो कॉमन नेम में हम लोग पूरा कार्बन को लेते हैं और ये सेकेंडरी पोजीशंस पर लगा है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड। ऐसे हम लोग को नाम पर उतना ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, हमको IUPAC नाम को ज़्यादा पकड़ कर रखना है, जहाँ कॉमन नेम आएगा बता देंगे। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए उसको हम लोग क्या लिए, सेकेंडरी लिए, सेकेंडरी प्रोपाइल क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो इसको देखते हुए हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर्स करते हैं, और बहुत ही छोटा जोड़ा, ये सब कुछ है ही नहीं, हम बोले कि ये सबसे आसान होता है, सबसे आसान। जैसे कि अगर मान लो कि एक कंपाउंड हम ले लेते हैं,
सीखते चलो, पहले पहले सीखो, छापने से कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ ब्रोमीन हो जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, ये हो गया, चलो ये नाम। सबसे पहले क्या काम, लॉन्गेस्ट चैन को सेलेक्ट करना, कौन सा हो जाएगा, यही होगा ना। काउंटिंग किधर से, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। देखो ब्रोमो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, चिंता नहीं करने का, ये भी एक कार्बन का है, मिथाइल है, एक कार्बन का मिथाइल, और ये भी क्या है, मिथाइल। इधर सब्स्टिट्यूएंट 1, 2, 3 नंबर पर आएगा, इधर से 1, 2, 3 नंबर पर आएगा। तो हम बोले थे कि अगर दोनों तरफ अगर मैच कर जाए तो अल्फाबेटिकली देखो कि किसके नंबर ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो। तो इधर से काउंट करो, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाम क्या हो जाएगा बोलो, 3-bromo। हाँ, नेम करना है अल्फाबेटिकली 3-bromo, उसके बाद 4, 5, 6 ट्राइमिथाइल, हाँ, ऑक्टेन। हो गया, कुछ है ही नहीं, छोटा चीज़ है। उसी तरह अगर बोला जाए, उसी तरह अगर हम लोग बोलते हैं और चीज़, कि अगर मेरे पास ऐसा आ जाए, छोटा छोटा चीज़ पहले हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए बियर, चलो काउंटिंग किधर से करें, यहाँ से रीजन्स। डबल वन फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है, कम नंबर। देखो बीआर फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है, कभी भी अगर बोला जाए हाइलोजन्स क्या फंक्शनल ग्रुप है तो नहीं, उसको हम मतलब फंक्शनल ग्रुप में नहीं मानते होते, वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा प्रिफर करते हैं। नाइट्रो को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप में नहीं लेते। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे, किधर जाएंगे, ऊपर के इधर, ऊपर रीजन्स। डबल बॉन्ड का पहला इनको 1 तो दूसरा को क्या, 2। सब चीज़ क्लियर होता चलेगा, देखो देखो। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5। ये कितना कार्बन का है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलीडीन। गुड, बहुत बढ़िया। और ये क्या हो गया, ABCD में सबसे पहले कौन आया, ब्रोमो। तो नाम क्या हो जाएगा, 1-bromo। फिर उसके बाद क्या, 3-ethyl-5-methylidin साइक्लो साइक्लो पेंट। कितना नाम पर डबल वन लगाया, 1 पर, तो 1-in या पेंटिन। किसको दिक्कत, देखो नोमेनक्लेचर में दिक्कत होगा ही नहीं, अगर तुम लोग अच्छा से सुनते चलोगे तब, दिमाग में कुछ नहीं रखने का, एकदम सुनने का, अच्छा से एकदम फ्री माइंड बैठो, एकदम सुनो, और जहाँ भी दिक्कत हो तो बोलो। सीखने के लिए आए हो, उतार कर क्या करेगा, जब समझेगा ही नहीं तो उतार कर कितना भी छाप लो कोई फर्क पड़ने वाला है, घर पर छाप कर क्या करेगा उसको, ऐसा थोड़े है कि फ़ोटो फ्रेम बना कर लगा देगा कि ये देखिए मेरा फ़ोटो फ्रेम, ऐसा थोड़े है। समझ गया देन उतारो। दूसरा चीज़ पहले समझो, जो बच्चा लोग का दिमाग थोड़ा सा स्लो काम करता है, स्लो काम करने का मतलब जल्दी नहीं समझ पाता, वो एक साथ दो काम नहीं कर पाता है, वो लिखेगा तो समझ नहीं पाएगा और समझेगा तो लिख नहीं पाएगा, ऐसा भी स्टूडेंट लोग। कुछ ऐसा स्टूडेंट है कि वो लिख भी लेता है और क्या करता है, समझ भी लेता है। तो इसके पहले वाला जो दो श्रेणी होता था, जो लिखेगा समझ नहीं पा रहा है, समझ रहा है तो लिख नहीं पा रहा है, तो वो इंसान को कोई जरूरत नहीं लिखने के लिए, पहले समझने का। जो लिख लिया है उसका कॉपी मांगकर तुम फोटो खींच लो, देख लो, या वीडियो में तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब क्या करना है, वीडियो तुम पूरा तो तुमको आता ही है, केवल वो सब देख देख कर, या तुमको हम बोलते हैं कि एक चार्ट दे ही देंगे, उस चार्ट को भी आराम से इंजॉय कर सकते हो, खाने का नहीं मतलब पढ़ कर उसको इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस दिया गया, क्वेश्चंस हमेशा आएगा, और क्वेश्चंस करते जाओगे तो तुम्हारा एक अलग ही लेवल बढ़ जाएगा। तो चलो सबसे पहला नोमेनक्लेचर्स करते हैं, काउंटिंग किधर से बोलो, हाँ इधर से ऊपर से ना, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 पर आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ से 1, 2, 3 नीचे, ठीक है 3, और ये क्या हो जाएगा, 4। नाम क्या हो जाएगा इसका, 3-bromo साइक्लो ब्यूट
वन इन, ये तो हलवा था क्या, एकदम टाइम पास। देखो अगला बोलो, अगला का कहाँ से करे, किधर से, ऊपर से कि नीचे से, नीचे से। अच्छा से अगर यहाँ देखो, वन टू थ्री फोर, रुक जाओ तुम्हें चिंता मत होना। सब्सिट्यूएंट पहला सब्सिट्यूएंट कितना नंबर पर, फिर उस कितना नंबर पर, दिक्कत हो जाएगा ना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर तुम जाओगे तो अगर हम यहाँ पर वन दे, यहाँ टू दे, ये थ्री दे और ये क्या दे, तो पहला सब्सिट्यूएंट यहाँ पर कितना नंबर पर आया, वन नंबर पर। इसके पहले वाला कितना नंबर आ रहा था, दो नंबर पर। यानी कि हम बोले थे कि सम ऑफ लोएस्ट सम से भी ऊपर का एक चीज़ होता है, किसको बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये वाला सही है। तो नाम क्या करेंगे बोलो, क्या नाम होगा, वन कॉमा फोर डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूट वन इन। देखो क्या था ये सब छोटा छोटा। हाँ बोलो, इसका हम लोग कहाँ से करें बोलो, काउंटिंग यहाँ से कि यहाँ से, ऊपर से ना, वन टू थ्री फोर फाइव और ये क्या हो जाएगा, सिक्स। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ से वन टू सब्सिट्यूएंट यहाँ आ जाएगा दोनों, और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को फेलियर कर देगा। हाँ नाम क्या हो जाएगा बोलो, ए बी सी डी में सबसे पहले सी आता है कि बी आता है, बी आता है नाम में अल्फाबेटिकली, उसमें कुछ दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, सिक्स ब्रोमो वन क्लोरो साइक्लो हेक्स वन इन। ठीक है, वन इन लगा देगा। फिर अगला चीज आता है, क्या चीज, अब इसमें हम लोग कहाँ से करें, यही वाला देखो, ये सोचो थोड़ा सा। अच्छा सर, कहाँ से काउंटिंग करें, ऊपर से नीचे, यहाँ से, रीजन्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वन टू थ्री और फोर। अगर इधर से जाते वन टू थ्री, तो थ्री पर यहाँ एक के सब्सिट्यूएंट मिलता, यहाँ से आ रहे हैं तो वन टू थ्री, थ्री पर कितना सब्सिट्यूएंट मिल रहा है, दो सब्सिट्यूएंट। बात सही है, किसी को दिक्कत, देख लोगे थ्री पर। अब नेमिंग वक्त कुछ कटौती नहीं, नेमिंग कैसे करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, नाम में वही, तो क्या नाम हो जाएगा, फोर ब्रोमो थ्री क्लोरो थ्री आइडो साइक्लो साइक्लो ब्यूट हाँ वन इन। अब तो ये तो समझ में आता गया कि इस क्वेश्चन में कुछ जान है ही नहीं, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो इसको करोगे तुम लोग अपने से करो। बोलो पहले कहाँ से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कौन सा, अब यहाँ पर ऐसे जाएंगे, कौन कौन इस पर एग्री है कि ऐसे जाएंगे, नीचे जाएंगे ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमको चैन वो लेना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। अब यहाँ पर हुआ नहीं, यार चैन भी छोटा है देख लोगे तो, क्योंकि यहाँ से ये नहीं लेंगे, तो यानी कि हमको लेना पड़ेगा कौन सा, ये वाला काउंटिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, बोलो इधर से या इधर से, इधर से, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप का ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया और ये क्या हो गया, सेवन। ए बी सी डी में सबसे पहले ये देखो, एक कार्बन का है तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, दो कार्बन का और एक कार्बन का ब्रोमो, कार्बन का कि बी आर का, बी आर का। तो ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो, तो फोर ब्रोमो फाइव इथाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल। हाँ पहले तो नाम लिखो, पहले पूरा कितना है, हेप्ट ना, हेप्ट हाँ, वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव ट्राइन, यही ना। तो ये सब कुछ नोमेनक्लेचर्स में कुछ जान नहीं है, ऐसा मैं तुमको जान दोगे तो बात अलग चाहिए, तुमको अपने से जान देते ही रहो, लेकर बैठे रहो दम स्ट्रेस, ये क्या सर करा दिए, तो ऐसा तो हम देखे ही नहीं है। बड़ा बड़ा कब आएगा, कभी नहीं,
कभी नहीं। अगर तुम सब सीक्वेंस मगर पढ़ते जा रहे हो तो कभी नोमेनक्लेचर हार्ड नहीं लगे, फान फान के जाओगे ना दिक्कत हो जाएगा। बैठा है यूट्यूब पर वन शॉट देख रहा है देखो और वन शॉट, हाँ 15 मिनट आइए 15 मिनट में नोमेनक्लेचर खत्म। हाँ तुम देख लेना अभी ऐसा ऐसा है ना यूट्यूब पर बैठा है सब, आइए मिनटों में सीखिए नोमेनक्लेचर्स। मिनटों में नहीं सिखाना है हम लोगों को, पूरा डिटेल में चलेंगे आराम से। अगला अब आते हैं नोमेनक्लेचर्स ऑफ, क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल। अब इसको समझा जाए, अल्कोहल के बारे में हम समझेंगे सिंगल बॉन्ड OH, तो सिंगल बॉन्ड OH इसका नोमेनक्लेचर्स, इसका क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो बढ़िया से देखते चलो, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो अल्कोहल भी अलग अलग तरह का होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। पहले तो अल्कोहल के बारे में जानते हैं, चलो आ जाते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, माइनस मत पढ़ देना तुम लोग, बहुत सारे माइनस पढ़ देता है, पढ़ा भी रहा है माइनस। तो सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा OH, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अगला जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा ROH, जहां पर R क्या है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ठीक है, अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल जो भी है। अब यहां कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका अल्काइल अल्कोहल, कॉमन नेम हम लोग क्या लेते हैं अल्काइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, उस तरह से। और अगला आता है क्या IUPAC नेम, IUPAC नेम में क्या हो जाता है अल्केनॉल, यानी कि ओवरऑल क्या लगाना है ऑल। तो अब यहाँ पर हम देखो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए भी थे अभी जस्ट, इसीलिए बोले सीनियरिटी टेबल भी एकदम क्लियर होते जाएगा धीरे 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 उस सीक्वेंस में। अगर हम लोग देखें दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो सबसे पहला आता है क्या चीज, अब हम लोग नोमेनक्लेचर्स करते हैं, नोमेनक्लेचर्स में ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा कंपाउंड्स, फिर क्या हो जाएगा रेशनल फॉर्म, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, कॉमन नेम IUPAC नेम। अगर बात बोला जाए तो ऑर्गेनिक, अगर बोला जाए तो ऑर्गेनिक में अगर हम पहला आते हैं तो CH यहाँ पर 3 और ये देते हैं क्या OH, नाम क्या हो जाएगा बोलो, पहले रेशनल फॉर्म तो यही हो जाएगा CH3OH, ठीक है यहाँ पर क्या बॉन्ड लाइन कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या ले लेंगे बोलो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल ठीक है। उसी तरह अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे बोलो, हाँ एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, तो मीथेन लिख देना पूरा। देखो ये कैसे बना हुआ है, कभी कभी तुम लोग दिमाग लगाओ, अल्केन प्लस क्या बना है ओल, यहाँ से ई हटाया हुआ, तब मीथेन लिख देना और साथ ही साथ वन ओल, क्योंकि वन नंबर पर लगा हुआ है, देखोगे तो यहाँ पर वन नंबर पर। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर लेते हैं C2H5OH, बोलो रेशनल फॉर्म CH3CH2OH, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाना है तो बना लो, ये हो जाएगा ये वन और ये क्या हो जाएगा कॉमन नेम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल ही हो जाएगा किसी भी हाल में। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इथेनॉल, यानी कि वन ओल। हम इसलिए ये सब लिख रहे हैं वन टू, क्योंकि तुम लोग अभी से आदत डाल लो, कभी मान लो टू आएगा तो भुलाने का नहीं। उसी तरह अगर बोला जाए कि C3H7OH, समझ में बात आ गया होगा, क्या हो जाएगा C3H2H2OH ठीक है, यह हो गया OH, कितना कार्बन 1 2 3, जो कार्बन जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप से उसको 1, तो 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, गुड बहुत बढ़िया प्रोपाइल अल्कोहल। और इसमें क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल ठीक है। इसी में देखो थोड़ा सीक्वेंस बदलते जाता है अलग अलग, मान लो को OH यहाँ लगा दिया, तो अगर यहाँ OH लगा दिया तब उस केस में नाम बदल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि इस केस में IUPAC नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो
प्रोपेन टू ओ गया। तो बस इस चीज़ को दिमाग में डाल देना। तो इसी में भी अगर देखा जाए तो अलग अलग टाइप का अल्कोहल आता है। अब अल्कोहल का हम लोग देखो, ध्यान सुनो, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पर अगर OH दिया जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो, जो अदर एक कार्बन से जुड़ा हो, तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, इसका 1, 2, 3, 4, 5 नाम करना चाहते तो नाम कर सकते हो, पेंट 10, 1 क्या हो जाएगा, होल, ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर 2 डिग्री अगर बात बोला जाए, 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी उस कार्बन आइटम से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, जो कार्बन आइटम अदर कितना से जुड़ा हो, 2 से जुड़ा हो, 1, 2, 3, 4, 5 नाम क्या हो जाएगा, पेन 10 टू ओल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर बात बोला जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, चलो यहीं पर जोड़ दो, चलो ये देखो यहाँ पर 1, 2, 3 मतलब ये कार्बन आइटम अदर कितना से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 से। तो अगर अदर 3 से जुड़ा हुआ है तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। बस इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना, 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन आइटम से जुड़ा होगा जो कार्बन आइटम अदर कितना से जुड़ा हो, 3 कार्बन आइटम से। ये सब पिछला क्लास में चर्चा हुआ है। अब यहाँ पर अगर नाम बोला जाए तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 1, 2, 3, 4 नाम क्या हो जाएगा, बोलो, 2 मिथाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2ol। तो बस हो गया काम खत्म। कुछ क्वेश्चंस कंपाउंड देखो, अब बोलो इसमें नेमिंग कहाँ से करेंगे। सबसे पहले रिंग को माने क्या, बड़ा नहीं, ब्रांच को, रीजन फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम नहीं देखना है, अब क्या देखना है, किसके पास फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, 1, और ये 1 ऊपर क्या जुड़ा है, साइक्लो प्रोपाइल, यही ना, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, 1 लगाना चाहते हो, 1 साइक्लो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, ठीक है, 1ol या मिथेनॉल लिख सकते हो। चलो अगला बोलो किधर से जाए, अगला देखो, अगला में ध्यान दिमाग में देखो, बच्चा लोग को दिक्कत होता है ना, यहाँ कार्बन नहीं है, कार्बन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, इधर कार्बन मत लगा देना। किधर से जाए, देखो ये है क्या, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, देखो डबल बॉन्ड भी है और ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा कौन है, OH। तो काउंटिंग किधर से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, नहीं, यहीं से करेंगे ना। देखो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग, फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो और बड़ा चैन भी मिल जाए, और लिस्ट नंबर तो मिल ही रहा है। देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 डबल वन पर ध्यान नहीं देना। देखो अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हमको केवल ध्यान रहेगा सीनियर पर, और सीनियर नीचे से भी जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 फिर क्या हो जाएगा, 4, हाँ तब तो नीचे से ही सही हो जाएगा। तो नीचे से भी अगर 3 मिल रहा है तो देन ले सकते हो, तो नीचे से भी 3 मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ये क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, यहाँ से भी 3 नंबर पर यही चाह रहा है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये वाला ग्रुप लगा है क्या, मिथाइल, तो सबसे पहले नाम करना है मिथाइल का, तो 2 मिथाइल, हाँ बोलो, पेंट 2 इन नहीं, 3 ऑल। अब ध्यान देना, ये O हो गया और ये क्या हो गया, समझ में आ गया, याद है बोले थे कि एक सीक्वेंस में
जैसे ए ई आई ओ यू और वाई अगर रेगुलर हो तो उसके समय एक को हटा देने का। अब यहाँ पर किसको ले, सीनियर किसको ले, बोलो सीनियर किसको ले, ओए। अब हमको इसको ध्यान नहीं देना है सर इसको ध्यान दे के, नहीं कोई मतलब नहीं। देखो जहाँ सीनियर आ गया, तुम लोग दिक्कत कहाँ करता है ना, एक सीनियर के बाद दूसरा सीनियर तीसरा सीनियर, ऐसा कुछ नहीं। एक को दे दिया जो सबसे बड़ा सीनियर है उसको कम नंबर, अब आगे मत मिलाओ कि आगे वाला का और कम, हमको कोई मतलब नहीं। एक को सीनियर ये ओ इंच, किधर से काउंटिंग करें, चलो काउंट किया जाए कहाँ से नीचे जाया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये है सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम हो जाएगा, 2-methylidene, नो इथाइलीडीन में नहीं, रीजन्स इथिनाइल। अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा होता तब जाकर होता अल्काइलीडीन, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्किनाइल। क्या कर याद है ना, अल्किनाइल, ठीक है, यानी 1-2 अगर देखना है तो देख सकते हो। अब इस केस में इसका नाम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ऐसे तुम ना भी लिखोगे चलेगा, 2 क्या हो जाएगा, इथिनाइल, ठीक है, 1-ईनाइल भी लिख सकते हो। फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स हेक्सेन 1, ठीक है, किसी को दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन को किया जाए, चलो अगला क्वेश्चन में काउंटिंग कहाँ से, अब ये नहीं देखो क्लोरीन पर ध्यान नहीं देने का, अभी इसके बाद 1 2 3 सही है, चलो ऊपर से होगा, बहुत बढ़िया गुड, बहुत ध्यान से देख रहा है, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4। नेमिंग में सबसे पहले कहाँ, नेमिंग कभी भी अल्फाबेटिकली 3-chloro तो दे देने का नाम, क्या हो जाएगा, 3-chloro साइक्लो ब्यूट 1.3 डाई इन 1-ol। अब यहाँ से हटा देना वो, तो देखो नहीं हटेगा तो उसको लेकर एकदम चिंतित नहीं रहना, सर आप ये हटाए नहीं गलती हो गया, बता दिए हैं रीजंस, देखो हम लोग टीचर हैं, कभी कभी हो सकता है कुछ पॉइंट इधर उधर हो जाए। अब तो इसमें अगर कुछ पॉइंट मतलब जैसे इन छूट रहा है, अब ऐसा नहीं कि पूरा तुमको पूरा गलती पढ़ाया जा रहा है, अभी पहला रीजन्स बता दे 2-3 बार कि ये काट देना है काट देना है, कहीं पर भी ई छूट रहा है तो उस चीज़ को, अभी नहीं कि उस चीज़ को लेकर कमेंट में लिख देने का, सर आपका इन गलती है। अब इसमें चलो किधर से किधर जाए, चलो हम थोड़ा सा और इसको हार्ड कर देंगे, चलो यहाँ डबल बन डाल लो, चलो अब नाम किया जाए, किधर से जाया जाए, यहाँ से, यहाँ से, तो ये 1 हो गया, फिर किधर, नीचे 2 क्यों डबल बॉन्ड का दूसरा इंट, फिर क्या हो जाएगा, 3 और ये क्या हो जाएगा, बहुत समझदार हो गुड। पहला नाम ये क्या हो जाएगा, ये नाम होगा कि ये नाम होगा क्या, ये भी क्लोरो है और ये क्या है, साइक्लो है, तो ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरो, देखो क्यों, देखो CHLOR होगा और ये वाई आ रहा है, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4-chloro-3-cyclopropyl, हाँ ठीक है, साइक्लो ब्यूट 1.2-diol, ठीक है, डाइओ, हाँ इसका तो नाम तुम लोग कर लेगा, किधर से जाया जाए बोलो, ऊपर से एकदम क्लियर बात है क्योंकि यहाँ पर ओ एच, ये 1 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसमें भी हमको काउंटिंग करना पड़ता है, जो जुड़ा हो तो उसको क्या करते हैं, 1 जो भी है, 1-2-3, तुम 1 भी लिख सकते हो कोई गलती नहीं है, ठीक है 1 भी लिखो, 1-2-3। अब यहाँ पर नाम क्या होगा, सबसे पहले नाम किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट यही है तुम्हारे पास है ना, नाम क्या हो जाएगा बोलो, 1 ब्रैकेट बंद यही ना, साइक्लो प्रोप 2-ईनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड का है तो नाम क्या हो जाएगा, इनाइल
और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंट थ्री इन, ठीक है, ये इसी को इनॉल लिख दिया जाता है। चलो ठीक, इनॉल ग्रुप आगे पढ़ेंगे। इनॉल ग्रुप में टॉटोमेरिजम्स मिलता है, तो वो सब पूरा डिटेल में तुमको नॉलेज रखना होगा। इस नोमेनक्लेचर्स में तो कुछ किसी को दिक्कत, दम सीक्वेंस पैटर्न पकड़ के चलोगे तो तुमको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया सीख लोगे। अगर पैटर्न नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा, पैटर्न एक पकड़ के चलते चलो ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चंस है तो ट्राई करो, चलो इस क्वेश्चंस को ट्राई करो, अब इस क्वेश्चंस को ट्राई कर दो और ट्राई करो तो करो। अब चलो इसके लिए हम एक टाइमर भी दे देते हैं, 2 मिनट देते हैं, 2 नोमेनक्लेचर्स है तो स्टार्ट हो जाओ। चलो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम नोमेनक्लेचर्स करें तो तुम लोग कर भी लिया है तो देखा जाए, मिलाते हैं तो काउंटिंग कहाँ से, ऊपर से ये 1 हो जाएगा और फिर किधर हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से। रीजंस डबल बॉन्ड पर ध्यान दें, सबसे सीनियर कौन है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखो, ब्रांच जैसा, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या है, हाँ यहाँ पर जाओगे तो ये 1 और 2 और 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट। अब फंक्शनल ग्रुप तक एक के है, अब ये भी तुम बोलो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन सीनियर कौन है, तब उसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा मिथाइलिडिन, ये क्या हो जाएगा इथाइल, और ये क्या हो जाएगा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा इथिनाइल, यानी कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो इथाइल आ जाएगा कि इथिनाइल आएगा, इथिनाइल, तो एबीसीडी में सबसे पहले नाम 5 इथिनाइल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 इथाइल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2, अब एक मिथाइलिडीन है और एक क्या है मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइलिडीन, नहीं मिथाइल पहले लिखना, हाँ पहले मिथाइल लिखना, मिथाइल कितना नाम पढ़ा है, 4 नाम पढ़ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 मिथाइलिडीन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा पूरा को साइक्लो हेक्स 5 इन या इनॉल कर दो। चलो अब इसमें हम लोग जाएंगे तो ये चैन को हम लोग बड़ा मानेंगे सीनियर, काउंटिंग इधर से कहाँ से 1, 2, 3 रीजंस, सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिला, दोनों खुश, जो जुड़ा हुआ है उसको क्या देना है 1-2-3-4-5-6-, ठीक है तुम डैश लगा सकते हो 1, 2, 3 भी लगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा नाम, सबसे पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट का, तो नाउन प्लस 1 साइक्लो हेक्स, हाँ उसके बाद 1-ईनाइल, यही ना ठीक है इनाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोप पेन, यही ना 2, बहुत ही हलवा था। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। अगला पर हम लोग आएंगे, जिसका सही था बहुत अच्छा गुड, देश का विकास किया, जिसका गलती हो रहा है वो भी देश का विकास ही कर रहा है क्योंकि सीख रहा है कुछ। नोमेनक्लेचर्स अब क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड मालूम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CHO। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड ये भी ऐसे लिखे। अब बात आते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो अभी लिखिए दिए थे, फंक्शनल ग्रुप क्या था, सिंगल बॉन्ड CHO या ऐसे तुमको लिखना है, ये भी जनरल फॉर्मूला में आ जाता है RC OH। हाँ इस केस में R क्या है, तो R का एक खासियत है कि R यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम भी हो सकता है
और R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। बहुत अच्छा सा डिटेल में जानना। क्यों हाइड्रोजन आइटम? क्योंकि पहले से कार्बन है, तो पहले से कार्बन है तो ये क्या हो सकता है, हाइड्रोजन आइटम जैसा भी काम कर सकता है, और उसके बाद दूसरा क्या काम कर सकता है, अल्काइल ग्रुप जैसा। कार्बन है नहीं रहता तो उसके समय ध्यान, क्योंकि बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिना कार्बन का नहीं बनना होता। अब कार्बन ही हटा दिया, बनाते रहो। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल नेम, यानी कि जो हिस्ट्री में नाम ले लिया गया अब उसी नाम को तुमको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं कि दूसरा सर बताइए। आईयूपीएसी नेम अल्केनॉल, यानी कि अल्केनल, यानी कि लास्ट में लगाना है अल, ठीक है। चलो देखा जाए, ध्यान समझते चलना। चलो अब हम बॉन्ड लाइन वाला नहीं लिखेंगे, बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर क्या करो, पहला क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। फिर क्या हो जाएगा, रेशनल फॉर्म, बॉन्ड लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कॉमन नेम, और ये क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम। इनको सब में टाइम बर्बाद हम नहीं करेंगे। हाँ, सबसे पहला क्या लगाते हैं, अगर मान लो कि तुम हाइड्रोजन लगाते हो तो HCO ये ए हो जाएगा ना, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे HCHO, यानी HC11O H। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम इसका बहुत ही फेमस नाम है, नाम है क्या, फॉर्मल डिहाइड। देखो और भी कंपाउंड्स का कॉमन नेम बताते जाएंगे धीरे 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 धीरे, आगे बताते जाएंगे कॉमन नेम। फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का है ना, तो एक कार्बन क्या बोलेंगे, मीथेन वन अल, ठीक है। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3CHO कोई लगाया तो नाम क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, CH3 जो भी नाम क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। देखो यहाँ से वन, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका फेमस है एसिटल डिहाइड। और यहाँ पर देखा जाए आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेन वन अल। फिर आ जाता है क्या, C2H5CHO, क्या कर देंगे, CH3CH2। हाँ, कॉमन नेम फेमस है लेकिन उतना हम लोग नहीं बोलते हैं, प्रोपियोनल डिहाइड। उसके बाद आता है आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम में हम लोग क्या ले लेंगे, आईपीएसी नेम में क्या हो जाएगा, प्रोपेन वन क्या हो जाएगा अल। समझ में बात आ गया होगा, इसमें किसी को दिक्कत, रम बस हलवा था छोटा सा था। अब रीजन्स हम लोग आते हैं काम पर थोड़ा फोकस करते हैं, जिसको उतारना होगा उतार भी लेगा, उसका हम उपाय बताएंगे, क्या उपाय है, हर चीज़ का उपाय है। चलो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ ले लेते हैं, जैसे ये अल्डिहाइड कभी भी रहेगा तो साइड में क्या लगा रहेगा, ऑक्सीजन, बस सोचना ही नहीं जाता साइड में। नाम क्या हो जाएगा बोलो इसका, देखो कार्बन कितना, 1 2 3, यहाँ कोई कार्बन मत मान लेना, क्या हो जाएगा नाम, 1 2 3, केवल नाम ऐसे केवल कन्फ्यूजन के लिए था, ये कराए हैं अभी, प्रोपेन वन अल, तो कुछ है था नहीं, ये सब केवल ऐसे साइड में दिया हुआ था। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस में आते हैं कि जैसे कि साइड में वो दिया होगा, बात दिमाग में डाल देना, साइड में अगर बीच में दे दिया जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, कीटोन। अभी कीटोन के बारे में पढ़ाया नहीं है, अल्डिहाइड कभी भी रहेगा तो साइड में रहेगा, जैसे कि हाँ जैसे ये हो गया ओ, चलो इसका नाम क्या हो जाएगा, कहाँ से काउंटिंग, तो ये अल्डिहाइड क्या है, फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5, यही ना लॉन्गेस्ट चेन, कहाँ से काउंटिंग, 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 इथाइल पेंट 3 इनल, इनल लगा सकते हो या वन अल लगा सकते हो, क्या है एकदम छोटा छोटा है। तो चलो हम लोग आगे लगा, तुम लोग देखते हैं, तुम लोग कर लेगा, करो तो।
चलो इसको भी हम दे देते हैं, टाइम देते हैं 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट से ज़्यादा हम नहीं देने वाले हैं। चलो तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, हलवा है, इजी है। ये क्या हो जाएगा, 1 2 किधर से नहीं। हो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसको तो नाम तो हम नहीं कराने वाले हैं, क्या हो जाएगा 2 2 2 3 डाइमिथाइल पेंटोन, ठीक है। ये तो और हलवा है, ये तो कुछ है ही नहीं। 1 2 क्या नाम हो जाएगा, 1,2-diol। ये भी एकदम आसान है, 1 2 3 4 5 नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1,5-diol। अब देखो अगला आता है इसका, इसका हम लोग नाम करें। तो इस केस में अगर हम नाम करेंगे तो किधर से जाए, ऐसे जाना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड करना जरूरी है ना, सीधा जाओगा तो नहीं होगा, एक थोड़ा छूट जा रहा है। अब कैसे भी जाओगे तो 2 हिंट हो जाएगा, कैसे भी जाओ। अब ऐसे जाओगे तो कार्बन ही नहीं आएगा, तो फंक्शनल ग्रुप आया कहाँ से, कार्बन तो आना चाहिए ना। अब ऐसे जाओगे बोले सर सीधा जाएंगे, तो कार्बन आया ही नहीं, सब तो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। तो अब इस केस में जैसे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, एक कार्बन का है तो क्या हो जाएगा मिथाइल, और ये बच गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। अभी बता रहे थे ना प्रीफिक्स, अभी तो पहले आते आते हम बता रहे थे फॉर्माइल होता है, या तो हम लोग यूज करते हैं ऑक्सो। ऑक्सो कब करेंगे, जब कार्बन काउंट हो जाएगा तो ऑक्सो, और जब कार्बन काउंट नहीं हुआ तब उसके उसमें क्या करेंगे, फॉर्माइल। यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले एबीसीडी में क्या आएगा, इथाइल, तो क्या हो जाएगा नाम, 4 कितना 6 नंबर पर, 6-ethyl 2-methyl। इधर से नाम करें कि इधर से करें, इधर से 1 2 2 पर मिल रहा है मिथाइल, यहाँ से 1 2 पर क्या मिल रहा है, तो कौन सा सही है, तो ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया और ये क्या हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2-ethyl 6-methyl। हाँ ये भी सीडी में सबसे पहले फॉर्माइल आएगा ना, तो नाम हो जाएगा 4-formyl 6-methyl। फिर क्या हो जाएगा, हेप्टेन ना, हेप्टेन कितना नंबर पर, 1,7-diol। तो पहले नाम ऐसे ही किया जाता था, पहले नाम इसी तरह से कराया जाता था, जो कि ये नाम गलती हो गया। तो अब नाम कैसे करना स्टार्ट किया गया, पहले जान लो हर रूल्स को जानो। अब नाम कैसे होना स्टार्ट हुआ, अब बोला गया कि इस कार्बन को काउंट कर लिया जाए, ठीक है, इस कार्बन को काउंट कर लिया जाए, और उस केस में इसका नाम किया जाए क्या, कार्बल्डिहाइड। चलो देखो हम इसको हम ये मिटा देते हैं, और देखो जैसे कि ध्यान सुनो ये भी नाम गलती नहीं है, पहले के बुक में यही सब नाम था, ये हाँ अभी मार्क्स कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CHO, और ये भी एक ऊपर गया, ये CHO। जब ऐसा हो, यानी कि कभी ऐसा हो कि एक ग्रुप कभी फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करे और एक ग्रुप प्रीफिक्स जैसा काम करे, तो ये तो गलती हो जाएगा। एक ही तो CH का मतलब CHO का यानी कि एल्डिहाइड का हम लोग प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, और उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, सफिक्स। तो बोला गया इससे थोड़ा बात गलत है, तो बोला गया कि सही क्या है, आप तीनों का सफिक्स यूज कीजिए। अब तीनों का सफिक्स के लिए नया जो लेटेस्ट जो करेक्शन वाला आया, उस केस में क्या आता है, उसका नाम कार्बल्डिहाइड। क्या क्या आता है, कार्बल्डिहाइड। जैसे कि पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कौन सा जाएगा, ये वाला, काउंटिंग। देखो ये
ये सबको क्या बोला जाएगा, कार्बल डिहाइड। काउंटिंग कहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नॉर्मल का नाम लिखना, यानी कि क्या हो जाएगा ऑक्टेन, बस लिख लिया। कहाँ पर, 2 पर 4 पर और 6 पर क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बल डिहाइड, यानी कि ये जो नया वाला जो लेटेस्ट करेक्शन है कार्बल डिहाइड, ये लेटेस्ट जो करेक्शन वाला जो नाम है, हाँ इस ग्रुप को ही नया वाला को बोला गया। इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये जो सी एच ओ जो नया वाला ग्रुप अभी आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बल डिहाइड बोलते हैं, यानी कि सफिक्स जैसा जब यूज करें तो कार्बल डिहाइड, इसीलिए इसको नाम को अच्छा से याद रख लोगे, यानी कि इसका ट्राई कार्बल डिहाइड हो जाएगा। समझ में बात आ गया, यानी कि अब इससे मन में क्वेश्चन ये भी आता है कि सर पहले वाला क्वेश्चन को भी इस तरह से लिखते तो नाम और सही होता है, नहीं पहले वाला को डाई अल्टो लिखे, अगर कोई नाम इसको यहाँ से करता, कहाँ से 1, 2 और इसको क्या लिखता 3, तो नाम क्या हो जाता बोलो, प्रोपेन हो जाता 1.3 डाई कार्बल डिहाइड। सही बात है, ये नाम सही है, यहाँ पर से दोनों नाम सही है, लेकिन अगर तुमको बोला जाए कि सबसे नाम सही कौन है तो ये वाला नीचे वाला, क्योंकि ये वाला लेटेस्ट करेक्शन वाला है, सुधारा वाला, ये भी नाम सही है, ये भी कोई गलती नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें अभी कोई गलती नहीं है, ये भी 100% सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों अगर आप कहीं आ जाए तो ये वाला नाम तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी सुधारा वाला, ठीक है। अब तो समझ गया होगा रीजन्स, अब इसका नाम तुम लोग बोलो, अब इसके जब आ जाता तो आ जाओ नाम कैलकुलेट कर लो, अब इसका क्या हो जाएगा बोलो 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 क्या हो जाएगा नाम, काउंटिंग कहाँ से, काउंटिंग हो रहा है तो होने दो, 1, 2, 3, 4 वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा नाम, ब्यूट टू इन नल, ये होगा। हाँ तुम काउंट नहीं करना चाहते तो वो भी सही है, लेकिन अगर काउंट हो रहा है तो काउंट करिए लो ना, कहे के लिए तुम लगाए हो नया ना, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, अगर काउंट नहीं करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा प्रो, प्रोप वन इन कार्बल डिहाइड, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं जब काउंट हो जा रहा है तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब काउंट हो रहा है तो काहे के लिए तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, ठीक है करो कुछ तो तुमको रीजन्स, काउंट हो रहा है तो काउंट करो, अभी नहीं कि छोड़ देंगे बार बार छोड़ते जाएंगे नहीं। चलो सबसे पहले ये करना किया जाए, क्या हो जाएगा नाम इसका बोलो, हाँ देखो इसका तुम दो नाम कर सकते हो, पहला कि इसको 1 काउंट करके ये वाला क्या कर सकता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा 1 साइक्लो पेंटेन, पेंटाइल होगा ना, पेंटाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा मीथेन 1 अल, या इसका सही नाम क्या होएगा जब इसको तुम काउंट नहीं करोगे, तो नहीं काउंट करोगे तो क्या नाम हो जाएगा बोलो, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो पेंटेन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1 अल पर जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1 कार्बल डिहाइड। तुमको ये याद हो जाना चाहिए कार्बल डिहाइड कब यूज कर रहे हैं कब नहीं, जैसे यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा बोलो, चलो पहले ये कर कि ये यही करते हैं, चलो इसका नाम क्या होगा बोलो, ये क्या है अल्डिहाइड ग्रुप, साइड में लगा अल्डिहाइड, दम चिंता नहीं, चिंतित नहीं होना है। काउंटिंग कहाँ से, यहाँ से, दम कुछ सोचना ही नहीं, 1, 2, 3 और ये क्या हो जाएगा 4, ये कार्बन है नहीं। अब ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसको कितना देना है पहला नंबर 1 या तो 1-, चलो अब हम 1 दे देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 फिर 2 क्या 3 फिर 4 किधर जाए 1, 2, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, सबसे नाम पहले किसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा बोलो, तब 2 पर लगा है तो ब्रैकेट दे देना, क्या हो जाएगा हाँ 1 साइक्लो का, एक ले पहले 3 ब्रोमो
थ्री ब्रोमो, ठीक है, साइक्लो ब्यूट टू इनाइल, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, अगला क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, किसी को दिक्कत? चलो ये लास्ट नाम पर हम लोग आते हैं। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग इसका नाम करेंगे तो अब इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, तो हम इसका नाम जब करेंगे तो उस केस में ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलेंगे, तो ये भी अल्डिहाइड है और ये भी क्या है, अल्डिहाइड है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक कार्बन का है और CHO है, यानी कि मिथाइल भी है, ये क्या है, मिथाइल भी है और CHO है, तो अल्डिहाइड भी है। तो अब यहाँ पर अगर हम नाम करेंगे तो पहला आप नाम किसको देंगे, तो ये हो जाएगा वन हो जाएगा। अब टू इसको देंगे कि टू इसको देंगे, देखो टू नंबर पर इस सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप जैसा है। तो देखो हम इसको जब दे दिए तब टू कहीं पर भी दे दो, क्योंकि ये भी है फंक्शनल ग्रुप, ये भी है, कहीं पर भी दो, इसको कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अभी एक को दे दिए, बाकी जिसको देना है दे सकते हो, यानी कि वन के बाद तुम टू चाहो इसको दे दो, इसको दे दो, चलेगा। मतलब टू थ्री फोर फाइव सिक्स सही है, 100% सही है, कोई गलती नहीं है, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर देखा जाए इस कंपाउंड्स का जब हम नाम करेंगे, तुम इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये भी चाहिए, बहुत 100%। तो ये वाला का जब हम लोग नाम करेंगे तो इस केस में इसका नाम करेंगे तो अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा तो इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल। तो अब इस केस में इसका नाम जब करेंगे तो इसका हम नाम करेंगे फॉर्माइल मिथाइल, इसका नाम करेंगे, इसका नाम। अब देखो ये नया जो रिकमेंड जो नोमेनक्लेचर्स है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं, कार्बल डिहाइड बोलते हैं, तो कार्बल डिहाइड बोल दिए, ठीक है, कार्बल डिहाइड। अब ये भी कार्बल डिहाइड, तो पहले हम इसका नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्माइल, कितना नंबर पर, पहले देख लो कितना नंबर पर, दो नंबर पर, तो टू फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लिख रहा, मिथाइल बाद में, फॉर्माइल पहले, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है, जैसे कि अगर ब्रोमो होता था, ब्रोमो नाइट्रो होता था, नाइट्रो पहले उसके बाद, जैसे कि हम लोग नाम करते थे, जब भी नाम करते थे तो जो मिथाइल हो या अल्किनाइल हो इसको हम लोग क्या लिखते थे, बाद में लिखते थे, और इसको क्या लिखते थे, पहले लिखते थे, टू फॉर्माइल मिथाइल, और उसके बाद ये पूरा रिंग कैसा बंद है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स, कितना नंबर पर डबल बॉन्ड है, फाइव नंबर, तो फाइव इन हो गया, और कहाँ कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, वन नंबर पर, तो 1.4 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बस हो गया नाम, ऐसे इसी तरह कर देना। उसी तरह अगर इसका नाम लिखा तो ये है सीनियर ग्रुप और ये कैसा ग्रुप है, जूनियर ग्रुप, ये है सीनियर और ये क्या है, जूनियर। अब देखो अब नाम करेंगे तो सीनियर को कम नंबर, तो ये वन हो गया, फिर उसके बाद किधर जाएंगे, इधर या इधर, इधर है मिथाइल और इधर क्या है, ब्रोमो, तो सबसे पहले इसके बाद इधर जाएंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है ब्रोमो, बाद में आता है मिथाइल। अब इस केस में ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, इसको अगर बोला जाए तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। तब इसका नाम करेंगे तो नाम कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हम नाम करेंगे ब्रोमो का, तो टू ब्रोमो हो जाएगा, टू ब्रोमो, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, यानी कि 4-hydroxy, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 6-methyl, उसके बाद हो जाएगा साइक्लो, और पूरा को हम क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्स। अब कितना नंबर पर है डबल बॉन्ड, दो नंबर पर है और फाइव नंबर पर था, 2.5-diene, और उसके बाद है कार्बल डिहाइड, कहाँ पर, 1-carbaldehyde, यानी कि देख लेना जो सीनियर होगा कोशिश करना कि सीनियर को कम नंबर, और जो जूनियर हो जूनियर का सबका क्या यूज करना है, प्रीफिक्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो यानी कि ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। ABCD में सबसे पहले ब्रोमो आता है, सबसे पहले ब्रोमो, फिर हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइल, फिर उसके बाद साइक्लो हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, 2.5 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो डाइन, 1-carbaldehyde, ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर देना। हम लोग और देख लेते हैं, चौथा सा, हम लोग मान लो CHO भी लगा, OH भी लगा और डबल बॉन्ड भी लगा, ठीक है, ठीक, तो
अब काउंटिंग किधर से करेंगे बोलो, इसका नाम सबसे बड़ा कौन आता है? सियाका, साइनो आइसो अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? अल्डिहाइड। तो सीनियर को देना है कम नंबर, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा वन। अब जिधर जाना है जाओ, इधर से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट वन टू थ्री फोर और ये क्या हो जाएगा फाइव। अब इस केस में अल्कोहल का अल यूज नहीं करेंगे, इसका क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स? सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी। याद करो अल्कोहल का उस केस में हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, कहाँ गया अल्कोहल। इस केस में अल्कोहल का हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो ध्यान से, अल्कोहल कहाँ गया? यहाँ। तो अल्कोहल का हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। दम क्लियर, दम दिमाग में डाल देना है। तो हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। ऊपर गिनना चाहते हो गिन सकते हो, हाँ। तो ये तो देखो ये गिना रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला में और ये वाला में दोनों में सीनियर कौन है? अल्डिहाइड। तो इसका हमको यूज करना है क्या? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो नाम में ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इन हो जाएगा, अल्कोहल का ओल भी यूज कर देते हैं, इसका अल भी यूज कर देंगे, सब दिक्कत हो जाएगा ना। देखो नाम करने के लिए क्या तरीका था, सुनो सब, नाम करने के लिए क्या तरीका था? पहला था सफिक्स यूज करना है, कौन सफिक्स? वन डिग्री, फिर उसके बाद टू डिग्री। अब टू डिग्री में अगर बात आता है तो टू डिग्री में सीनियर का यूज करना है। अब इसमें सीनियर कौन है? ये। और जितना भी जूनियर है उस सब जूनियर का क्या यूज करना है? तो उसका यूज करना है प्रीफिक्स, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, जो इसीलिए अभी पहला क्लास में बताया अभी कि उसका सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है। यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, अब नाम क्या हो जाएगा? देखो ये दो कार्बन का नाम क्या हो गया? इथाइल। और ये भी क्या हो गया? और इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो गया इथाइल, और इसका नाम हो गया इथिनाइल। अब एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा? इथिनाइल। तो यानी चलो नाम कर लिया जाए फोर इथिनाइल, फिर क्या हो जाएगा? थ्री इथाइल, टू हाइड्रोक्सी, साइक्लो पेंट, थ्री इन। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, वन कार्बन डिहाइड, मतलब बहुत अच्छा से, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, दिल से बहुत खुशी मिला कि तुम लोग आ गया, कुछ सीखा, कार्बन डिहाइड। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो चलो हमें क्वेश्चंस दे दे, और चलो हम यहीं पर क्वेश्चंस दे देते हैं तुम लोग। पांच कर कौन है? चलो एक मिनट का टाइम हम दे देते हैं, हाँ और क्या है, एक आध साल का थोड़े दे देंगे एक मिनट ज़्यादा है। चलो काउंटिंग कहाँ से? कहीं से, लेकिन यही दोनों में से कहीं से, अभी नहीं कहीं से मतलब कहीं से नहीं, यही दोनों पर से। किधर जाए? हाँ अगर देखो सुन लो, अगर यहाँ से जाओगे, सुनो सब ध्यान से, तो वन टू थ्री फोर, फिर क्या आएगा? फाइव। फोर पर आ जाएगा क्या? ब्रोमो। अगर कोई यहाँ से जाएगा वन टू थ्री फोर, तो फोर पर क्या आएगा? इथाइल। एबीसीडी में सबसे पहले क्या आया? ब्रोमो। तो कौन सा सही है? तो वो ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फिर क्या हो गया? फोर हो गया, फाइव हो गया। कहीं यहीं से करेगा ना, या तो यहाँ से करता, तो यहाँ से करता वन टू थ्री फोर, बात यही होता। अब यहाँ पर भी हो सकता था वन टू थ्री फोर, फिर क्या होता? फाइव। ये और सही है नहीं? अगर देखा जाए
तो अगर यहाँ पर नाम करते हैं तो ये क्या होता है वन, फिर क्या हो जाएगा टू, फिर नाम क्या हो जाएगा थ्री, फिर हो जाएगा फोर, और ये क्या हो जाएगा फाइव। ठीक है, वो भी गलती नहीं था, इसका पहले वाला जो भी करा है वो भी चलेगा, सही है। यानी कि इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल, और ये क्या हो जाएगा कार्बनडाइऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो चलो नाम किया जाए, क्या नाम हो जाएगा टू ब्रोमो थ्री इथाइल, थ्री इथाइल फाइव हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंट टू इन वन कॉमा फोर डाई कार्बल डिहाइड। ठीक है, देखो नाम इससे पहले वाला भी सही था। अब देखो, अब जब बहुत ज़्यादा सही आने लगता है ना, तब तुमको क्या देखा जाता है कि सबसे बढ़िया कौन है। जब तक नहीं आ रहा था सही है, जब आना स्टार्ट हुआ तब देखा जाएगा कि सबसे बढ़िया कौन है। यही थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि इससे पहले वाला करता वो भी सही था, 100% सही था, गलती नहीं था, लेकिन देखो कि सबसे सही कौन जा रहा है। ठीक है, तो हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद छुट्टी करेंगे। तो पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस का 2019 का, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है, दम फटाक द फोर डालो। चलो क्वेश्चंस जल्दी, इसको प्रीवियस ईयर का है इसलिए तुम जल्दी थोड़ा टाइम मत लो, जल्दी क्वेश्चंस बनाओ, जल्दी टाइम मत लो। जल्दी 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 दम फटाक दे, हो गया। दम जल्दी, तुम लोग बहुत धीरे धीरे काम काज कर रहे, दम जल्दी हो गया। तो चलो देखते हैं हम लोग, एकदम हलवा नाम है, बीच तक में कुछ है नहीं। लॉन्गेस्ट चैन कार्बन पहले कहाँ कहाँ है, एक दो तीन, और ये भी कार्बन है। तो काउंटिंग किधर से, वन यही ना, टू थ्री फोर, और ये क्या आ जाएगा फाइव। तुम लोग इस कार्बन को नहीं मान रहे थे कि इसको मिथाइल लिख रहा था क्या, नहीं तो इसको मिथाइल नहीं लिखना है, चैन में तो आ ही जाएगा, कल कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ सी थ्री लगाएगा। हाँ, अब यहाँ पर इधर से भी काउंट नहीं करना, तुम लोग ऐसा भी तो नहीं ना कि इसको भी मिथाइल मान रहा था, वन टू थ्री ऐसा करके ऑप्शन देखोगे ना, वो सब दिया रहता है, जो जो सोचते हैं ऑप्शन दिया रहता है। अगला बार हम लोग ऑप्शन भी ले लेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप को हम क्या बोलेंगे मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे ब्रोमो। अब हाइड्रोजन्स लिखने की जरूरत नहीं है कि टू फोर डाई हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं। नाम क्या हो जाएगा, नीचे से, अगर नीचे से काउंटिंग करोगे तो दिक्कत क्या है, देखो वन टू थ्री नंबर पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर कितना नंबर है वन और डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, क्योंकि हम बताए थे कि डबल बॉन्ड का वैल्यू ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन से इस सबसे क्या होता है ऊपर का बात है। तो उस केस में देखा जाए तो डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए कम नंबर। तो काउंटिंग किधर से हुआ, ऊपर से, इस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्रोमो, ये क्या हो जाएगा मिथाइल, ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है ब्रोमो। तो नाम क्या हो जाएगा फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल, थ्री कॉमा फाइव कौन बोल रहा है, थ्री मिथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा ब्यूट पेंट पेंट, फिर कितना नंबर डबल बॉन्ड तो टू इन। तो कितना आसान था नोमेनक्लेचर, तुम लोग ये प्रीवियस ईयर का 2000 सबसे आसान सा क्वेश्चन पूछता है नीट में। हम अगला बार नीट का 10-12 क्वेश्चन लेंगे, 8-10 को कम से कम कोशिश करेंगे कि कुछ नीट का क्वेश्चन लें जो कि इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा है नोमेनक्लेचर, तुम लोग सर यही सब दीजिए ना उतना, मतलब क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन इसको तुम लोग नोमेनक्लेचर से करो। अभी हम उसका पैटर्न नहीं बता रहे तो ठीक है, इसको नोट्स कर लो अच्छा से एंड देश का विकास करो। ओके, थैंक यू।